सो इन द प्रीवियस टॉपिक ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट हमने डिस्कस किया था कि हम ब्लड uh, लॉस एक काउंट करते हैं लेट मी जस्ट शो यू दैट इन साइन आउट फेज द एनेस्थाइटाइज एनेस्थेटिस्ट टेल्स द एक्चुअल ब्लड लॉस इन द टाइम आउट फेज सर्जन बताता है कि अप्रॉक्सीमेट कितना ब्लड लॉस होगा ठीक है तो मेन uh, बात यह कि ब्लड लॉस काउंट कैसे करते हैं सो so, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है देर आर सोक् मॉप्स जो हमें ब्लड लॉस का एस्टिमेट दे देते हैं अप्रोक्सीमेट ठीक है एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते ओके समथिंग रेक्टेंगुलर पीसेस होता है जिसमें क्या लाइंस होती हैं ठीक है इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे ये लाइंस ये रेडियो पे होती है ओके okay? सो so, ये एक बड़ा क्लोथ का पीस होगा व्हाट वी कॉल एज सोक्ड मॉप हो ओके सो वी एस्टिमेट दैट अ सिंगल बिग लार्ज पीस ऑफ सोक्मॉप कंटेन्स हंड्रेड सी सी ऑफ ब्लड ओके इसके अलावा और क्या क्या यूज़ करते हैं हम सर्जरी में ब्लड लॉस को काउंट करने के लिए देर आर सक्शन रेन्स सक्शन रेन में हमारे कितना ब्लड आया वो भी ऑब्वियसली हमें काउंट करना पड़ेगा एंड इसके अलावा द इिगेशन फ्लूड वी यूज सो एक्चुअली इरीगेशन फ्लूड तो हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो ये हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा हमारी टोटल कैलकुलेशन में कैसे आ, यदि हमें टोटल ब्लड लॉस निकालना है यदि बात करूँ मैं टोटल ब्लड लॉस की सो इट वुड बी सोकड़ मॉप्स में कि, कि, कितने सोकड़ मॉप्स हैं सपोज किया हमने तीन पीसेस आ गए तो इसका मतलब हमारे पास थ्री हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड है ठीक है प्लस ब्लड इन सक्शन ड्रेन ठीक है सबसे ड्रेन में कितना ब्लड आया सपोज किया हमने वन फिफ्टी एम क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया ये मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ ठीक है मान के चल रहा हूँ और इरीगेशन फ्लूड हमने कितना यूज़ किया सपोज किया हमने टू हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर सी सी इरीगेशन फ्लूड यूज़ किया ये कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सी ले रहे तो टोटल ब्लड लॉस कितना आएगा ठीक है सोगड़मोप्स और सक्शन ड्रेन का ब्लड हम ऐड करते हैं और उसमें से जो भी इरीगेशन फ्लूड है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे कर देते हैं क्यों क्योंकि वो हम यूज कर रहे हैं बाहर बाहर से इरिगेशन हम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके? सो so, हमने अभी लिया एक सर्जरी का तीन उसमें हमने लिए के तो 300, आ, फिर हम आसानी से कर सकते हैं ठीक है टोटल ब्लड लॉस कैलकुलेट कर लिया टू फिफ्टी सी सी ये जस्ट एक एग्जाम्पल था ओके थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज कि ये जो तीन क्राइटेरियाज होते हैं ये हम यूज़ करते हैं ओके नाउ वन मोर थिंग मैंने बताया कि यहाँ पे एक रेडियोपेक लाइंस होती हैं ठीक है मॉप्स पे आजकल सो so, इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस ये है कि दीज आर रेडियोपेक लाइंस ओके okay. और सिटी क्या होती है आइडेंटिफाई करने में कॉज करती है इफ़ दे आर लॉस्ट दे आर यूज टू आइडेंटिफाई सपोज के बॉडी में ही रह गई ठीक है तो हम आज इन्हें क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं, okay. ओके uh, इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा दैट इज कॉल्ड एज ओ टी जोनिंग दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओ टी जोनिंग ओके सो ऑपरेशन थिएटर में बेसिकली चार जोन्स होते हैं सो जोन्स इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टिव जोन Then we have a clean zone, sorry, aseptic zone and a disposal zone. तुम so, आसानी से याद रख सकते हैं protective zone वो area है हम OT में जहां घुसते हैं सो so एंटर करते ही हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले चेंजिंग रूम्स आते हैं इसके बाद प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रूम्स आते हैं सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्टिव जोन आई कैन से प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रूम्स इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ब्रे एंड also the ICU and what we call as PACU so these are components of protective zone theek hai iske baad ठीक है इसके बाद जैसे ही हम इसके बाद हमें जोन मिलता है जो हमें tak करता है ओ तक प्रोटेक्टिव तो इसके बाद जब हम ओ की तरफ जाते हैं तो हमें कॉरिडोर सा मिलता है वही उसी को हम क्लीन जोन रेफर करते हैं सो बेसिकली इट कनेक्ट्स द प्रोटेक्टिव जोन टू द ओ टीज एसेप्टिकोन ए जोन दैट इज एक्चुअली द ऑपरेशन थिएटर ठीक है क्लीन जोन में हमारे बेसिकली एक तो इक्विपमेंट्स का स्टोर रूम आता है जहां पे इक्विपमेंट्स स्टोर किए जाते हैं इक्विपमेंट स्टोर रूम इसके अलावा जो मेंटेनेंस वर्कशॉप होती है ओके okay. वो क्लीन जोन में आती है एसेप्टिक जोन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया इसके बाद आता है डिस्पोजल जोन सो जहाँ पे सारे वेस्ट्स का डिस्पोजल किया जाता है सो दिस वाज अबाउट ओटी जोन्स जोन एंड ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी